जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे बहु की चतुराई। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक गांव था, उस गांव का नाम पालपुर था। बहुत समय पहले की बात है, पालपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके तीन बेटे थे, तीनों का विवाह हो चुका था। तीनों बेटे और दो बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू रानी बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। रानी ने जब रोटियों के लिए आटा गूंदा, तब आटे में चार बहुमूल्य माणिक छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाई। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। रानी ने रोटियों को एक पोटली में बांध ली। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पी कर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं वह सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाएं। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं, यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। रानी ने एक माणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने माणिक लेते हुए अपनी बहू से पूछा, पुत्री, ये माणिक तुम्हें कैसे मिले? उसने कहा, पिताजी, जब मैं रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद रही थी, तब मैंने उसी में ये माणिक छिपा दिए थे। साहूकार उसकी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार ने माणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य माणिक है, इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा, उसने सोचा। वह माणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे माणिक दिखाया। माणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह माणिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की और बोला, यह माणिक बहुत बहुमूल्य है, इसके लिए मुझे घर से सोने की मोहरे मंगवानी होंगी, और नौकर को घर भेज दिया मोहरे लाने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहां एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बनी हुई थी और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ, जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झट से तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो रानी को चिंता हुई। उसने दूसरा माणिक निकालकर अपने पति को दिया और बोली, आप यह माणिक लेकर जाएं। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह माणिक वापस ले आइएगा, वरना इस माणिक को बेचकर खाने पीने का सामान ले लीजिए। रानी का पति माणिक लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटे दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब रानी का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो रानी को बहुत चिंता हुई। अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और मेरे पति कहाँ खो गए।
उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के लिए कपड़े खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और यह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है वहां से चल दी। उसने सिपाही का वेश बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की उसे अपने सिपाहियों में रख ले। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल के पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। रानी ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन रानी के बहुत कहने पर आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो रानी उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर लिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद ना आए। फिर वह पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल के चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसके गर्दन काट गिराई। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन राजा को यह समाचार मिला तो वह रानी से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है, जो चाहे इनाम मांग लो। वह बोला, महाराज यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दें और मुझे यह स्वतंत्रता दे दें कि जब चोर को मैं पकड़ूं तो उसे जो चाहे दंड दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उसने रानी को नगर का कोतवाल बना दिया। अब रानी अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वे उस बहुमूल्य माणिक को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जोहरी के पास गए होंगे। उसने सोचा, मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जोहरी को जरूर मेरे पति और ससुर के बारे में पता होगा। रानी जोहरी की दुकान पर पहुंची। जोहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसके खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य, मैं आपके क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक जड़ा हार बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलाइए। रानी जो कोतवाल के भेष में थी बोली। जोहरी ने उसे अनेक माणिक दिखाए पर रानी को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो। रानी बोली। अब जोहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस माणिक को देखते ही रानी पहचान गई यह वही माणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों पकड़ लो इसे, यह कोई जोहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। रानी ने आज्ञा दी, जल्दी बताओ जिस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह माणिक मेरा है। जौहरी बोला, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दे सकता हूँ। इतना कहकर रानी ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया, लगता है कोतवाल को सब पता है, उसने सोचा। वह दुकान के बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। रानी दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। रानी सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा।
उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रानी के सम्मुख रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद रानी ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसने बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित रह गया। उसने न केवल रानी को क्षमा कर दिया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दे दी। भक्तों, आदमी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले सोचे विचारे बुद्धि का प्रयोग करें। जय श्री राम। भक्तों भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमें इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम। भक्तों।